सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही और परेशान हो रहे हैं, उन लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या कर सकते हो आप। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले तो घबराना नहीं है, और फिर वैसे फोकस तो आपका यही होना चाहिए कि आपको जो जॉब्स है वो आपके फील्ड की हो, आप जिसमें स्टडी कर रहे हो उसी में आप अप्लाई करो, उसी में आप जॉब लो, ताकि वो एक्सपीरियंस काउंट हो सके और आपको टीयर टू की स्पॉन्सरशिप मिल सके। अब आप कोई भी दूसरी जॉब करने लग जाओगे, वेयर हाउस में या किसी भी ऑफ लाइसेंस में या कहीं पे भी, तो वो आप एक एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। PSW भी निकल जाएगा, पास भी होगा, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपका एक लिंक्डइन का प्रोफाइल होना चाहिए, इंडीड पे आप एक्टिव रहो, वहाँ पर जॉब्स अप्लाई करो। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स अप्लाई कर चुके हो, फिर भी कुछ हो नहीं रहा। जैसे वेयर हाउस वाइज वगैरह में कर सकते हो, अगर सर्वाइवल ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है पैसे वैसे की और ख़र्चा नहीं निकल रहा है, तो वहाँ पर आप वेयर हाउसेज में और इनमें करके निकाल सकते हो थोड़े दिन, बट ज़्यादा दिन मत करो। तो ट्राई करते रहो कि कोई और जॉब मिल जाए, जैसे ये मॉरिसन्स LD वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे भी यहाँ पे आप थोड़े दिन कर सकते हो। फिर एक काम करो, ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जॉब से रिलेटेड, जैसे कि इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, टोटल जॉब्स है, फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग ग्रुप्स में डालते हैं उनकी कंपनीज के। आपको क्या करना है, कंपनीज़ का की वेबसाइट पे जाना है, जो भी कंपनी आपको लगता है कि इसमें जॉब्स की वैकेंसी हो सकती है तो उसकी वेबसाइट पे जाना है। उनका खुद का जॉब पोर्टल होगा, और वहाँ पर जाकर आप वहाँ पे अपना अकाउंट बना के वहाँ पर जितने भी जॉब्स हैं वहाँ पे अप्लाई करो, या फिर लिंक्डइन से सीधा अप्लाई कर सकते हो। अपना CV बहुत अच्छे से बनाओ, तो ये जो एंट्री लेवल की जो पोजीशंस होती हैं, देखो जिसमें ज़्यादा स्किल्स चाहिए होती है वो तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जैसे कॉल सेंटर की जॉब्स हो गई या फिर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो गया, इस टाइप की जो जॉब्स होती है ना, इनमें अप्लाई करो। इनमें ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए होती, चाहिए होती हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी स्किल्स नहीं चाहिए होती है। जैसे कि आपको कंप्यूटर मैनर्स होने चाहिए, या फिर जो MS Office की जितने भी ऐप्स हैं वगैरह, उनसे आपको पता होना चाहिए कि उनको कैसे मैनेज करना है। और ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि अगर किसी ने एक दो साल भी काम किया है इंडिया में तो उसको पता होगी। तो वहाँ पर जाकर के अप्लाई करो, और CV अपना बहुत अच्छे से बनाओ, और फिर ये जॉब्स के लिए वहाँ पे अप्लाई करो। हो सकता है कि ये जो जॉब्स होती है ना, इनमें थोड़ा रिस्पांस जल्दी मिलता है, क्योंकि इनमें ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों को नहीं मांगते हैं, और एंट्री लेवल की जॉब्स होती हैं तो स्टूडेंट्स को भी या फिर ग्रेजुएट को भी कई बार ले लेते हैं। बट ये भी अगेन मैं यही कहूँगा कि एक ऐसा ज़रिया, मतलब एक तरीका, एक जिससे आप किसी एक कंपनी में प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एंटर हो सकते हो, फिर वहाँ से जॉब स्विच कर सकते हो थोड़े टाइम के बाद में। लाइक थोड़े टाइम मतलब वो साल भर तक तो काम करवाएंगे या फिर 6 महीने करवाएंगे, फिर आप स्विच कर सकते हो। अपने स्किल्स को डेवलप करते रहो साथ ही साथ, ऐसा नहीं है कि आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हो और फिर बाद में आप सीधा ही बोलो उनको कि मेरे को किसी और में करना है। आपको अपनी स्किल्स पे काम करते रहना पड़ेगा, कुछ सीखते रहना पड़ेगा, तब जाके वो लोग आपको ये रोल स्विच करने का बोलेंगे। बहुत सारी कंपनीज में होता है, जैसे मैं जिस कंपनी में करता था उसमें भी ये ऑप्शन था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और लिंक्डइन का जो है अपनी प्रोफाइल को कैसे बनाना, खाली बना के छोड़ना नहीं, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना, उसमें कीवर्ड्स ऐड करने, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जॉब दिलाने में। बाकी जो एम्बर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जिसको भी अकोमोडेशन बुक करना है वो वहाँ पर जाके कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चाय उबल गई है।